मोदी जी, आप भले ही अपने आप को चौकीदार कहो, लेकिन देश की जनता थानेदार है। थानेदार आपने अगर चौकीदारी में गलती की है तो देश का थानेदार चौकीदार तो सबक सिखा के रहेगा, बता देने का काम करेगा। कैसे हम लोगों को उल्लू बना दी लो और अपना नौजवान सब हो लगा के दिल्ली गया, बोले कि बिहार के स्पेशल राज का दर्जा देंगे। दर्जा अब बिहार गिरगिरा रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी की पटना यूनिवर्सिटी को सेक्टर का दर्जा दे दिए। यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दे रहे पटना यूनिवर्सिटी का, बोले बिहार को विशेष राज का दर्जा दे। चर्चा कहते डबल इंजन के सरकार का, डबल इंजन ऐसा ही लोग गरीब के पेट में लाद पाने में पालुए पर पल्ला बाली पर गरीब सा बेचारा तरफ रहा है। धूप मरी मजदूर जो है सब काम छूट गया। कितने लोग परेशान हुआ बालू मंडी से, पहिन के डबल इंजन के सरकार में एक इंजन अपराध में और दूसर का भ्रष्टाचार में। ऐसा शराबबंदी देख है कि होम डिलीवरी होने लगा। ₹200 के बदले 1500 में बैठाता। आप समझ रहे जो बॉटल जहां से गिर तो 2100 ले रहा है, लेकिन 200 के अलावा 1300 रुपए के ले रहा है। चाचा जी लेते इसका पार्टी फंड में जाता है। अरे पूरा चुनाव की तैयारी हो रहा है, आदमी सब लगा रहे हैं, लोग जान रहे सब जान रहे। ये बिहार को इन्होंने खजाने को लूटने का काम किया, सृजन घोटाला से लेकर के सब कुछ। आप लोग जानते थे हम लोगों से कोई केस मुकदमा नहीं झूठा, बोलता 13 साल की उम्र में तेजस्वी घोटाला के लिए जब पूछो नहीं था मेरा। आप बताइए तो 13 साल का लड़का जिसको पूछ नहीं वो रेलवे में घोटाला करेगा, और जब बड़ा जवान हो जाएगा राज्य का उप मुख्यमंत्री बन जाएगा कीमती डिपार्टमेंट संभालेगा तो कितना आदमी का घोटाला करेगा। अरे नीतीश कुमार जी हम 18 महीना की पीछे में एक घोटाला निकाल दो तो हम जाने नहीं निकलने वाला है। समझ जाइए लोग बेईमान लोग है, बेईमान लोग। अभी नीतीश कुमार जी थोड़ा तो शर्म करके इस्तीफा दे दो, दोगे नहीं। अंतरात्मा तो तेजस्वी के लिए चढ़ता है, इस्तीफा एक्सप्लेन कर दीजिए एक्सप्लेन। अरे सुप्रीम कोर्ट फटकार पे फटकार लगा रहा है आपको, बच्चियों के साथ जिस प्रकार से बालिका गृह में शोषण करवाने का नीतीश कुमार ने काम किया, पॉक्सो कोर्ट ने सीबीआई का जांच देने का आदेश दे दिया। कहाँ गई आपकी अंतरात्मा नीतीश जी, अब तो सीबीआई जांच का आदेश हो गया है। हम बोलते थे ना यही लोग बचाते थे अपराधी को, बच्चियों के साथ बच्ची लोग बोलती थी मूछ वाले अंकल आते थे, तोंद वाले अंकल आते थे, जितना मंत्री मूछ वाले तोंद वाले के बचाए हुए हैं सब आने वाले समय में दूध का पानी या दूध दूध करेंगे, सबका बदला होगा। नीतीश कुमार जी अब आपका पाप का घड़ा जो है बढ़ गया है, बढ़ गया है, अब थोड़े दिन में फूटने वाले हैं। आपने लालू जी को जनता के नेता को जिन्होंने जनता गरीबों की लड़ाई लड़ी, आपने जो साजिश किया जो सताने का काम किया, आज देखिए आपके गलत काम का भले ही देर से लेकिन दुरुस्ती के साथ आपको सजा मिलेगा। आप बचने वाले नहीं है, आपको तो शर्म आता, आपको तो लगा अब चाचा तो कुछ बोलेंगे, नैतिकता की बात करेंगे, अंतरात्मा की बात करेंगे, अब तो ऐसा लगता है कि उनका अंतरात्मा बंगाल के खाड़ी में जाके डूब गया। अरे जिस मुख्यमंत्री पे कौन आरोप लगाया, कोर्ट में एफिडेविट किया,
जो डॉक्टर जो बच्ची को गलत इंजेक्शन देता था गलत काम के लिए, वो डॉक्टर एफिडेविट पे कहता है कि नीतीश कुमार जी का हाथ है आरोपियों को बचाने में। अगर सोचिए, अगर लालू जी का हम लोगों का कोई नाम ले लेता, बिना नाम लिए हुए बिना कोई सबूत के हम लालू जी जेल में है, और ये लोग नाम ले लेता तो आज तक कितना से क्या क्या चला था। आज दुख की बात है, हम नहीं कहेंगे, इन पत्रकार भाइयों का गलती नहीं है, लेकिन पता नहीं इतनी बड़ी खबर लोग दिखाते क्यों नहीं। खाली बदनाम करना है तो लालू जी को परिवार को बदनाम करना है, और कोई नेता गलत काम करता ही नहीं है। जो गलत काम है पूरा दुनिया भर का अमीरों का परिवार करता। आप देख लीजिए, ब्लॉक लेवल चल जाइए, ऊपर चल जाइए, घुसखोरी बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। जाति प्रमाण पत्र बनाना हो तो भी घूस मिलता देना पड़ता कि नहीं देना पड़ता, ये स्थिति। आज नीतीश कुमार जी पे मुकदमा चल रहा है। आप लोग हैरान हो जाएंगे, एक बात हम बता देंगे तो, ये जब सीबीआई का कोर्ट का जब फैसला आया पॉक्सो कोर्ट का, तो नीतीश कुमार जी नकली सीबीआई वकील को एक कैमरा के सामने खड़ा कर दिए और उससे बोलवा दिए कि झूठा खबर चल रहा है। मतलब अपने नकली वकील खड़ा करवा करके मीडिया के सहयोग से ये चलवा दिए कि ऐसा कोई आदेश नहीं हुआ मुख्यमंत्री पर। आप बताइए, जो कोर्ट के आदेश के साथ खिलवाड़ करता हो उसके जजमेंट को झूठा बता दे, वो व्यक्ति क्या क्या नहीं कर सकता है, ये बात समझने की जरूरत है। हम दिल्ली में थे, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हमने कई सवाल पूछे अपने चाचा से, आज भी हम फोन करके करोड़ों रुपया तो ईमानदार है, तो ये सारा साजिश करने वाले लोगों से जानिए, ये बीजेपी वाले लोग जब कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि लोग जानते हैं काम तो कुछ किया नहीं, खाली जुमलेबाजी की, झूठ बोला, खाली विदेश घूमा, तो जनता तो वोट देगी नहीं, तो क्या करेंगे भाई, दंगा फसाद करेंगे, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़वाएंगे, भाई भाई में लड़वाने का काम करेंगे। तो एगो चुटकुला चलता है जो हम हर जगह सुनाते हैं, राम जी और सीता जी स्वर्ग में बैठे हुए थे, तो राम जी को हिचकी आता है, तो सीता मैया पूछती है प्रभु काहे हिचकी आ रहा है, तो राम जी कहते हैं लगता है चुनाव पास में है, बीजेपी याद कर रही है। तो आप लोग समझिए, ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने जिंदगी भर अंग्रेजों की गुलामी की, देश के आजादी में इनका कोई योगदान नहीं, आज वही हम लोगों को देशभक्ति का पाठशाला पढ़ाने का काम कर रहा है। तो आप लोग समझिए, ये तो नाथूराम गोडसे में विश्वास रखने वाले लोग हैं, बाबा गोवर्कर में विश्वास रखने वाले लोग हैं, जिन्होंने जिंदगी भर अंग्रेजों की चमचे या गुलामी करने का काम किया, आज वो लोग सत्ता में आए हैं और हमारे देश का खजाना को लुटवाने का काम कर रहे हैं, बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। आज हम लोग उनके खिलाफ लड़ाई लग रहे हैं, सच के लिए लड़ रहे हैं, तो आज केस मुकदमा करा करके हम लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है। लालू जी को तो जेल भेजा, मेरी माँ पे मुकदमा, मेरे पे मुकदमा, मेरे भाई पे मुकदमा, मेरी सात बहन है, मेरी सातों बहन पे मुकदमा, सातों जीजा जी पे मुकदमा, बहन के जितने सास ससुर थे यानी 14 हो गए, सात यानी सास और ससुर 14 पे मुकदमा, उस सास और ससुर के रिश्तेदारों पे भी मुकदमा। लेकिन सोच लीजिए, हमारे पिता बीमार है, जेल में बाल पक गया, कई एक बीमारी, हार्ट के पेशेंट, किडनी का, डायबिटीज का, ब्लड प्रेशर का, शुगर का,
70 साल से ज्यादा हो गया, जिस व्यक्ति ने छात्र जीवन से आप लोगों की लड़ाई लड़ने का काम किया, कितना भी कोशिश किया जा रहा है उनको झुकाने का, लेकिन वो झुकने का नाम नहीं ले रहे, लड़ाई लड़ने का काम कर रहे। हम बता देंगे, लालू जी और हम लोग जिंदगी भर गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, प्रगतिशील वर्गों के लिए जो कुर्बानी हम लोगों को देना पड़ेगा, जो लड़ाई लड़ना पड़ेगा, उसको हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। लेकिन अगर हमारे गरीबों का अधिकार को छीनने का काम करेगा तो उसमें भी हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। अगर अधिकार नहीं दोगे तो अधिकार लेना हम लोग जानते हैं, हमें पता है कि किस प्रकार से अपने आरक्षण को बढ़ाने का काम करना है, अपने संविधान को बचाने का काम करना है, अपने सामाजिक न्याय का झंडा किस प्रकार से बुलंद रखना है, धर्मनिरपेक्षता का झंडा किस तरह से ऊंचा रखना है, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन हम तो जनता की अदालत में आए, आप लोग एक बात समझ लीजिए, जनता की अदालत ना तो सुनवाई करती है ना तो तारीख देती है, सीधे फैसला करती है। तो फैसला आप लोगों को करना है, बड़े भरोसे के साथ आपकी अदालत में आए, जनता की अदालत में आए, फैसला आप लोगों को करना है। और मेरे पिता बीमार हैं, लेकिन हमको परवाह नहीं, हमको परवाह मेरे पिताजी की जो सोच है, जो विचार है, आज उसको बचाने की जरूरत है, अपने अधिकार को बचाने की जरूरत है, जो कि ये लोग खत्म करना चाहते हैं। हम बस आप लोगों से इतना अपील करने आए कि हमारे पिता ने बाल पका दिया, आप लोगों की लड़ाई लड़ते लड़ते आज बीमार है, हमेशा आपकी लड़ाई लड़ेगी, तो हम सबको उनकी लड़ाई को लड़ना है कि नहीं लड़ना है, उनको न्याय दिलाना है नहीं दिलाना है। अरे बात समझ जाइए, जब तक ही हमारे चचा अब मोदी जी भागेंगे नहीं, तब तक ही लोग शैतानी लोग करने का काम करेगा। हेलो, तो इस बार आप लोग भगाइएगा कि नहीं भगाइएगा, खाली यहाँ कहने से नहीं होगा, आपको जगह जगह जाकर के प्रचार प्रसार करने का काम करना है, जगह जगह जाकर के बातों को फैलाने का काम करना है। और कहीं चाचा वगैरह दिखेंगे तो उनको चप्पल जूता मत मारिएगा, काला झंडा मत दिखाइएगा, उनको जवाब अगर देना है तो ईवीएम के बटन पे दबा वोट दे करके दबाने का आप लोग काम कीजिए, जवाब देने का काम कीजिए। ज्यादा कुछ हम कहेंगे नहीं, लेकिन पिता ने हमको एक बार बोला था जब हम जेल जा रहे थे उनके साथ, उनको छोड़ने के लिए जब सजा सुनाई गई थी, बोल रहे थे हमारे पिता हमको, बेटा निराश मत होना, अगर निराश हो गए तो सीधे अपने मालिकों के बीच चले जाना, आज हम अपने मालिकों के बीच आप लोगों के बीच आए, और सही में मिलकर के जो ऊर्जा और जो शक्ति मिली है इसके लिए हम आप लोगों को दिल से बधाई देने का काम करते हैं। तो आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, जो भी महागठबंधन का कैंडिडेट होगा, आप लोग इधर उधर ना देखते हुए लालू जी को न्याय दिलाने के लिए, बेरोजगारी मिटाने के लिए, आरक्षण बढ़ाने के लिए आप लोग महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताने का काम कीजिए। तो हाथ उठा करके आशीर्वाद है ना, आवाज नहीं आ रहा, आशीर्वाद पा रहा, नीतीश कुमार जी को भगाना है ना, मोदी जी को हटाना है ना, गरीब का राज लाना है ना, लालू जी को न्याय दिलाना है ना। अब हम नारा देंगे, तीन नारा देंगे, उस तीनों नारा के पीछे आप लोग बोलिएगा। पहले हम बोलेंगे बेरोजगारी हटाओ, तो आप बोलेंगे आरक्षण बढ़ाओ, बेरोजगारी हटाओ आरक्षण बढ़ाओ, बेरोजगारी हटाओ आरक्षण बढ़ाओ, बेरोजगारी हटाओ आरक्षण बढ़ाओ। अब हम बोलेंगे भाजपा भगाओ, आप बोलेंगे देश बचाओ,
भाजपा भगाओ, देश बचाओ। भाजपा भगाओ, देश बचाओ। भाजपा भगाओ, देश बचाओ। अब एगो चाचा जी के उनको कैश बोलेंगे भाई, आप बोलेंगे पलटू चाचा भगाओ तो आप बोलेंगे बिहार बचाओ। पलटू चाचा भगाओ, पलटू चाचा भगाओ, पलटू चाचा भगाओ। आप सब लोगों का भोजपुर की जनता का दिल से धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।